हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पनीरी भिंडी। तो चले देखिए इसे कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी है और फटाफट बन जाता है। तो शुरू करें अपनी रेसिपी। एक कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म हो चुका है तो जीरा डाल देंगे। जीरा लाल हो चुका है, करी पत्ता डाल देंगे। कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज हमारे लाल हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, तो अदरक और लहसुन का कूटा हुआ डाल देते हैं। अदरक और लहसुन भी भून चुके हैं तो हींग डाल देंगे। अदरक और लहसुन भी भून चुके हैं तो हल्दी पाउडर डाल देते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे और जितना तीखा खाना है उस हिसाब से मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मसाले भी भून चुके हैं तो 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। सब्जियों को देखते हुए स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। टमाटरों को गलाना नहीं है, ये भिंडी के साथ में अच्छी तरह से गल जाएगा, तो इस समय हम भिंडी डाल देंगे। भिंडियों को हम अच्छी तरह से चला देते हैं और इसे हम ढक देंगे जब तक कि भिंडी हमारी नरम नहीं हो जाती। भिंडी पक चुकी है, इसमें क्रश किया हुआ पनीर डाल देते हैं। हल्की सी खटाई देने के लिए अमचूर पाउडर डाल देंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे। हल्का सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। बहुत ही झटपट पनीरी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि खाने का स्वाद बढ़ाएगी। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।